हेलो दोस्तों, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीसी या फिर लैपटॉप में विंडोज़ कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। इस वीडियो में विंडोज़ 10 लाइव इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। आशा करते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे अपने घर पर ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल एवन टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं विंडोज़ इंस्टॉल कैसे करना है। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस प्रकार से पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने बूटेबल पेन ड्राइव पहले से ही बना रखी थी। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बनाना आता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीख सकते हैं वहाँ से। विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए हमको अपने पीसी या फिर लैपटॉप को इसको ऑफ करना होगा। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऑफ हो चुका है। ऑफ़ होने के बाद आपने जो भी बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखी है उसको अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करवा देना है। तो हम इसको कनेक्ट करवा देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद अपने लैपटॉप को ओपन करना है। ओपन होते ही आपने डेल का लैपटॉप होगा तो उसको F12 प्रेस करना है। तो हमारा यहाँ पर डेल का लैपटॉप है तो इसीलिए हम F12 प्रेस करते हैं, तो जिससे कि आपका बूट के सिस्टम ओपन हो जाएगा। हर लैपटॉप में अलग अलग बूट कीज़ होती हैं, तो हमारा डेल का है इसलिए हमने F12 प्रेस किया है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर बूट का सिस्टम दिखाई देगा। तो बूट का सिस्टम दिखाई देने के बाद आपको नीचे लाने के लिए इस प्रकार से एरो के बटन से इसको नीचे लाएंगे। तो हम USB से विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं तो USB 1 सैंडिक्स पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे। इंटर दबाने के बाद कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आएगी। तो हमारा लो क्वालिटी का लैपटॉप है इसीलिए इस प्रकार से आया है। आपका हाई का होगा तो कुछ दूसरे प्रकार से भी शो कर सकता है। इसको शो करने के बाद कुछ इस प्रकार से विंडोज़ आ जाएगी। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो हमारा यहाँ पर इंडिया है तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसको हम जल्दी से सेलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिया जाएगा बीच में, तो उस पर आ जाके इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे लिखे आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग, आपका विंडो इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, आपके लैपटॉप या फिर PC पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आपके पास प्रोडक्ट की है विंडो की या फिर नहीं है। तो हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हम आई डू नॉट प्रोडक्ट की पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम विंडोज़ प्रो इंस्टॉल करेंगे, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्रो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप को कुछ इस प्रकार से टर्म कंडीशन ओपन हो जाएंगे जिसको आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कस्टम या फिर नेट से दूसरी विंडोज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम नीचे को सिलेक्ट करके कस्टम जो मेरे पेन ड्राइव में है उसी को इंस्टॉल करना चाहूँगा, उस पर क्लिक कर देता हूँ। को क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हार्ड डिस्क के पार्टीशन या फिर ड्राइव शो हो जाएंगे। जिस भी ड्राइव में आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव का आपका पूरा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इस वाले ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो इसको हम पहले इसको फॉर्मेट करेंगे फिर इसमें नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। हमको इसी ड्राइव में विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो नेक्स्ट कर देते हैं। इसको नेक्स्ट करने के बाद हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पर 100 होने में कुछ समय लग सकता है तो आप वेट करिए। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है 100 होने में। ये आपके लैपटॉप के प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में कितना टाइम लगेगा। विंडोज़ रेडी होने में अराउंड 7 मिनट लगे हैं। हमने वीडियो स्क्रिप कर दिया है जिससे कि आपका वीडियो बड़ा ना हो। तो चलिए, यहाँ पर विंडोज़ रेडी हो रही है, कुछ टाइम लग सकता है, जस्ट ए मोमेंट। चलिए इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पर आई डू नॉट
हैव इंटरनेट लेफ्ट में नीचे की साइड में दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नेट कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई से। अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड इंटर कर दिया है और इसको क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जस्ट ए मोमेंट, यहाँ पर एक मिनट के लिए बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो यहाँ पर चूज़ योर प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी विंडोज़ ओपन होंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कस्टमाइज योर डिवाइस, आप किस चीज़ के लिए इसको चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, इसको बाद में सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी स्किप कर देंगे। कॉल के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा था। बैकअप योर फाइल्स ऑन ड्राइव, तो यहाँ पर आप स्किप कर दें इसको भी, हमको कोई भी बैकअप नहीं चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो यहाँ पर आपको ट्रायल के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास नहीं, आई हैव ए प्रोडक्ट की पर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ए मोमेंट बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारी विंडोज़ रेडी हो रही है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपना पीसी इसको ऑफ नहीं करना है। यहाँ पर हमारी विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी है, तो देख सकते हैं। आप भी अपने घर पर ही ऐसे ही विंडोज़ 10 या फिर कोई भी विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल एवं टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब तो यार कर ही दो ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।